हाँ जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या है? इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है, बड़ा स्फीयर ये, और इसका रेडियस क्या है सपोज 10, दिया ही हुआ, तो इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बोलो? 4/3 π 10³। अब इसी सॉलिड स्फीयर से ना माउल्ड करके इसको छोटी छोटी बॉल्स बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? छोटी छोटी बॉल्स। और कितनी बॉल्स बनाई गई हैं बोलो? ऐसी छोटी छोटी कितनी बॉल्स बनाई गई हैं? 8 बॉल्स बनाई गई हैं। पूरी इस पूरे का वॉल्यूम क्या है? 4/3 π 10³। ऐसी 8 बॉल बनाई गई हैं, तो हर एक बॉल का वॉल्यूम क्या होगा? बाय 8। दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल। ये जो बाय 8 करके आया, एक छोटी बॉल का वॉल्यूम आया। और मान लो ये छोटी जो बॉल बनी है, इसका रेडियस मैं क्या ले लेता हूं? आर। इसका रेडियस मैं क्या ले लेता हूं? आर। तो उस छोटी बॉल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 π r³। उस छोटी बॉल का वॉल्यूम क्या होगा जल्दी बोलो? 4/3 π r³। तो ऐसे क्वेश्चन में जो माउल्ट करके ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसे क्वेश्चंस में सारी कैलकुलेशन क्या करनी होती है बोलो? लास्ट में करनी होती है। तो सारी कैलकुलेशन अगर लास्ट में करनी होती है तो 4/3 π से 4/3 π कट हो जाएगा बोलो। तो 10³ ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे 8 को क्या लिख सकते हैं? 2³ r³। जल्दी बोलो r क्या आ गया? हाँ, 10³/2³ का क्यूब रूट करेंगे तो 10/2 ही तो रह जाएगा, मीन्स 5 रह जाएगा। ये आ गया उस छोटी बॉल का रेडियस। अब हमें उस छोटी बॉल का क्या निकालना है? देन सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल। स्फीयर में सरफेस एरिया का मतलब टोटल और क्राउड एक ही बात होती है, स्फीयर तो कंप्लीट ही होता है। तो स्फीयर का बताओ क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 4π r²। तो ना ही वो टोटल है ना ही वो क्राउड है, कई बार उसको सिर्फ क्या बोल दिया जाता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4π r². तो ये छोटी बॉल का रेडियस तो आ चुका है 4π। रेडियस कितना आया बोलो छोटी बॉल का? 5। तो कितना आ गया बोलो? ये 100 π cm². तो बोलो ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।